ये है गुफा जहाँ शेर रहता था पहले, ठीक है। तो संतोष भाई बताएं, गांव वाले बोलते थे पहले यहाँ पे शेर, डुरका, तेंदुआ जो भी है, गांव वाले जैसे बोलते थे, यहाँ पे रहता था। तो अच्छा स्पेस है, जगह है अंदर शेर रहने लायक, शेर रहता था, बाघ रहता था, तेंदुआ जो भी है। तो आप लोगों को अंदर से दिखाऊंगा मैं, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में एंड तक। दोस्तों नमस्कार, मैं सोमेश ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों हम लोग आज नए जगह पे जा रहे हैं, मंडवा क्षेत्र पे ही है, काकड़ी पदर के। और हमारे साथ हैं अभी संतोष भाई, फ्रेम में दिख रहे हैं और पहचान लीजिए, यही एक चेहरा है। हेलो दोस्तों तो आप लोगों ने पहचान गया अगर रुपेश भाई को। तो हम लोग फिर एक नए ब्लॉग बनाने चल रहे हैं नदी किनारे। तो आप लोगों को ये क्षेत्र आप लोगों को दिखाऊंगा, ये आप लोगों को दिखा चुका हूँ संगम वाला क्षेत्र। तो उसी परुआबाड़ी उसी एरिया पे जाएंगे, परियाबाड़ी, तो उस एरिया पे जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, फिर हम लोग नदी किनारे मिलते हैं। तो हम लोग इस पुल को आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, ये वाला पुल सभी को, सभी परिचित होंगे इस पुल से। काकड़ी पदर मंडवा आसपास है और बहुत सारे वाटरफॉल जो हम लोग बनाते हैं उसके आसपास हैं। तो हम लोग इधर से निकलेंगे, इधर से नीचे से उतरेंगे, ठीक है। दोस्तों हम लोगों को नदी किनारे चलते चलते एक आप लोग देख रहे होंगे उस तरफ पहाड़ टाइप का, चट्टान टाइप का जगह है, ठीक है, वहाँ जाने का हम लोग सोचे हैं। अब देखते हैं पास जाकर क्या दिखता है वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को वहीं दिखाता हूँ मिलकर। आप लोगों को दिखा रहे होंगे ये एक रूम के बराबर है, यानी छोटा सा रूम। ये गुफा है जो शेर का डैन है, गुफा। तो देखिए बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे, लेकिन क्या है यहाँ पे थोड़ा सा फरफरा जमीन है, धस भी सकते हैं, देखते हैं। तो देख लीजिए ये था गुफा जहाँ शेर रहा करते थे, ऐसा हमारे संतोष भाई बताए हैं, गांव वाले बोलते थे यहाँ पे शेर रहता है। तो एक मैं तो यहाँ खड़ा हो पाऊंगा नहीं, तो रुपेश भाई यहाँ खड़े हो पाएंगे तो देख लीजिए कितना आगे है रुपेश भाई भी, संतोष भाई भी। दोस्तों हम लोग इस गुफा से अब निकलने वाले हैं, बहुत ज्यादा देर हम लोग रहेंगे नहीं क्योंकि शेर आ सकता है तो दोस्तों ऐसा नहीं है, पहले जब जंगल ज़्यादा हुआ करते थे तो यहाँ पे शेर रहते थे, पुराने लोग कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ का मैं लोकेशन बता देता हूँ, आप आरापुर से जैसे काकड़ी पदर के लिए आएंगे ठीक है, तो वो पुल है गाड़ा घाट, तो गाड़ा घाट से होते हुए वहाँ से दिखता है। और ये हम लोग बैठे हैं यहाँ पे हमारे संतोष भाई और ये रुपेश भैया, ठीक है। तो हम लोग यहीं बैठे हैं, थोड़ा सुस्ता रहे, और शेर भी यहाँ सुस्ताया करते थे, तो हम लोग यहीं पे हैं। और दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग आते रहेगा, कुछ नए आप लोगों को जानकारी मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।